नमस्कार बच्चों, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी शिक्षण प्रतिमान, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग मॉडल्स। ठीक है, तो प्रतिमान जो होते हैं, मॉडल्स होते हैं, और जो प्रवर्तक होते हैं वो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर ही देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कुछ प्रतिमान हैं, मॉडल्स हैं जो अपन देख रहे हैं। पहला है अपना प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, अग्रिम संगठन प्रतिमान। ठीक है, तो संगठनात्मक जो प्रतिमान है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, ये है अपना प्रवर्तक डेविड आसूबेल का। तो जो डेविड आसूबेल जी थे उन्होंने ये प्रतिमान दिया था अपना। फिर परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल है, जो इंक्वायरी वाला है वो अपना मॉडल है, जे रिचर्ड सचमैन का। फिर है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, बेसिक टेक्निक टीचिंग मॉडल है, ये अपना है रॉबर्ट ग्लेसर का। किसका है? रॉबर्ट ग्लेसर का। फिर है संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान, कॉन्सेप्ट अटेंटमेंट मॉडल, ये अपना जेरोम ब्रूनर का। किसका है? जेरोम ब्रूनर का। याद करते चलिए, अभिक्रमित अधिगम प्रतिमान है, प्रोग्राम लर्निंग मॉडल है, ये अपना है BF स्किनर। स्किनर का पूरा नाम क्या था? BF स्किनर। फिर है आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान, इंडक्टिव थिंकिंग टीचिंग मॉडल, ये अपना हिल्दा ताबा का। किसका है ये? हिल्दा ताबा का। विद्यालय अधिगम का प्रतिमान, स्कूल लर्निंग टीचिंग मॉडल है आपका, ये आपका है जॉन कैरोल का। किसका है? जॉन कैरोल। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं सामाजिक अंतः क्रिया प्रतिमान, सोशल इंटरेक्शन है ना मॉडल, ये अपना है फ्लैंडर्स का। किसका है? फ्लैंडर्स का। विकासात्मक प्रतिमान, डेवलपमेंट मॉडल, ये अपना है जीन पियाजे का। किसका है? जीन पियाजे का। ठीक है, दिशा विहीन शिक्षण प्रतिमान, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल, ये अपना है कार्ल्स रोजर्स का। इसका है कार्ल्स रोजर्स का। फिर है सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान, क्रिएटिव टीचिंग मॉडल, ये है विलियम जे जे गोर्डन का है। फिर नेक्स्ट है अपना अभिज्ञान शिक्षण प्रतिमान, ये है अवेयरनेस टीचिंग मॉडल, ये अपना विलियम सुट्स का। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप अच्छे से, इसको देख लीजिए और इसको याद भी कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, फटाफट से एक बार नज़र देख लीजिए। अच्छा, अब अपन देखते हैं विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें संगठनात्मक विकास सिद्धांत है जीन पियाजे का। किसका है ये? जीन पियाजे का। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ये है वाइगोटसी का। किसका है? वाइगोटसी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ये है सिगमंड फ्रायड का। फ्रायड का है। मनोलैंगिक सिद्धांत, ये है सिगमंड फ्रायड का। ठीक है, फिर देखिए सोशल है और साइकोलॉजिकल, दोनों ही सिगमंड फ्रायड का है, ध्यान रखें। मनोसामाजिक सिद्धांत जो अपन देखते हैं वो है अपना एरिक्सन का। विश्लेषणात्मक और लैंगिक दोनों ही फ्रायड के हैं। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि का है डेनियल गोलमैन। और नैतिक विकास सिद्धांत है, ये अपना लॉरेंस कोल्सवर का नैतिक विकास सिद्धांत है। और सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत है वाइगोटसी। कौन है ये? वाइगोटसी का। ठीक है, तो ये अपन ने देखा इम्पोर्टेंट से विकास के सिद्धांत और अपना प्यारा परीक्षा उपयोगी शिक्षण प्रतिमान। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।